जिस तरीके से आप लोगों ने भी पूरी कोशिश करती रही कि एनटीए के जो की तरफ से पूरी कोशिश हो, जेडीयू के उम्मीदवार कलाधर मंडल हो है जीत जाए, चिराग पासवान ने भी पूरी जोर आजमाइश की, लेकिन इसके बावजूद एक निर्दलीय का वहां से चुनाव जीतना, ये कितना बड़ा ड्रॉबैक एनडीए के लिए भी जेडीयू के लिए भी? देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में जनमत जो होता है वो सर्वोपरि होता है। हाँ, हमारे नेता वहां गए थे, एनडीए के शीर्ष नेता वहां पहुंचे थे, लेकिन जनता ने जो अपना निर्णय दिया मुझे लगता है वो सिरोधार्य है और हर किसी को स्वीकार करना चाहिए। जहां तक हमारी बात है कि हमारे पार्टी से निकल के निर्दलीय चुनाव लड़ा था उन्होंने, तो देखिए हम गठबंधन धर्म में है, हमारी कुछ मजबूरियां रहती हैं, कुछ गठबंधन धर्म की मर्यादाएं रहती हैं, उसका हम पालन कर रहे थे, लेकिन फिर भी अगर चुनाव जीते तो उनको बधाई है। विनीत जी, शंकर सिंह ही वो जो 2020 में आप ही की पार्टी से चुनाव लड़े, इस्तीफा दिया, आप लोगों से अलग हुए और आप लोगों से अलग होकर के अपनी एक मुकाम जो है वो हासिल कर ली है इस बार के चुनाव में, तो किस तरीके से शंकर सिंह के साथ जो आपका कनेक्शन था पार्टी के साथ अलगाव और उसके बाद से ये बड़ी जीत, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया, मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ, जब वो हमारे पार्टी में थे तो उनका सम्मान था और हमारे ही टिकट से, वो पार्टी के टिकट से 2020 में वो चुनाव लड़े थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि गठबंधन धर्म की कुछ मजबूरियां होती हैं, मर्यादाएं होती हैं, उस सीमा को हम लांग नहीं सकते हैं। इसके तहत हमें एनडीए के उम्मीदवार को सपोर्ट करना था, उनको ये बात, उनको अपना चुनाव लड़ना था कि उनको लगता था कि उन्होंने काम किया है, जनता के बीच में है वो, और मुझे लगता है कि आज उसकी पुष्टि भी हो गई है, तो एक बार फिर से हमें बधाई देना चाहिए और हम खुश हैं। तो आप गठबंधन धर्म की बात करें कि हमें निभाना पड़ा, क्या ये हमदर्दी थोड़ी सी विनीत सिंह के लिए आप लोगों की भी रही या फिर फील गुड महसूस कर रहे हैं कि विनीत सिंह चलिए जीत गए, हमारे साथ कभी हुआ करते थे? बड़ा सीधा सा स्वाभाविक उत्तर होगा मेरा कि जब तक हम एनडीए में है, मजबूत घटक दल है बिहार में, तब तक एनडीए की मजबूती के लिए हमें काम करना है। इसके अलावा कोई व्यक्ति जीतता है, जनता ने उनको वोट दिया है तो जनता को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई गुड फील फैक्टर नहीं है और जो ये सिंपैथेटिक आप जो बात कर रहे हैं, तो सहानुभूति भी नहीं है, क्योंकि हम एनडीए के उम्मीदवार के लिए वहां पे गोलबंदी कर रहे थे, वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। जी चलिए, बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि शंकर सिंह के खिलाफ हम लोग इस बार लगातार गठबंधन धर्म का एक निभा करके हम चुनावी मैदान में थे, और लेकिन कितना बड़ा एक ड्रॉबैक मानते हैं क्योंकि एक सीट जो है वो जेडीयू ने गवा दी, जो जेडीयू की सिटिंग सीट थी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब साथी हारते हैं तो एक असर सामूहिक तौर पर उस एनडीए पर भी पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मुझे लगता है कि इसकी विवेचना होना चाहिए, आकलन होना चाहिए कि कमी कहाँ रह गई है। हालांकि जैसा बता रहे थे कि जदयू और राजद के बीच में इन्होंने, तीसरे निर्दलीय उम्मीदवार ने फायदा उठाया है, जनता ये भी देखती है कि चलो किसी एक और नए को मौका देना चाहिए, लेकिन हाँ, जब हम इस रिजल्ट के बाद जब हम बैठेंगे ड्राइंग बोर्ड पे तो इस चीज की विश्लेषण जरूर होना चाहिए और आगे हम ध्यान रखेंगे 2025 में कैसी गलतियां दोबारा नहीं हो। अच्छा, निर्दलीय जब उम्मीदवार जीतते तो हो सकता है कि वो किसी पार्टी का दामन भी थाम ले, शंकर सिंह आप लोगों के साथ थे, क्या ऐसी भी कोई कोशिश होगी कि फिर से एक बार जेपी आरवी के साथ ही आ जाए या फिर जेडीयू कोशिश करे कि जेडीयू के साथ ही चले जाए? देखिए, भविष्य के बारे में टिप्पणी करना मुझे लगता है कि राजनीति में उचित नहीं होता है, वो उनका मन है, वो जहां जहां चाहें या निर्दलीय ही बने रहना चाहिए, सब उनका निर्णय होगा और हर निर्णय में हमें लगता है कि जनता ने उनको चुन लिया है तो उनका स्वागत होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया विनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एलजेपी आरवी के प्रवक्ता थे और शंकर सिंह जो है वो निर्दलीय के तौर पर अपनी जीत जो है वो दर्ज कर चुके हैं। आनंद हमारे साथ।